अज वार्ड नंबर 29 तो कांग्रसी उम्मीदवार नसरीन पत्नी आशरफ अब्दुल्ला की चोण मुहिम उस समय तकड़ा हुंगारा मिले जो एक वड्डा काफिला वार्ड के नौजवानों का उन्होंने समर्थन के आ गया। इस मौके गलबात करते नौजवान आगू ने कहा कि अब्दुल्ला परिवार लंबे अरसे तो वार्ड वासियों की सेवा करता आया है और उन्होंने वार्ड के विकास कार्यों का हल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार नसरीन आशरफ पहलों तो भी ज्यादा वोटों के जीतेगी। उम्मीदवार नसरीन के पति और सबका कौंसलर आशरफ अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वार्ड विखे तरक्की याफ्ता काम करवाउण की पूरी कोशिश की है, भावें वार्ड में नालियां सीवरेज या वाटर सप्लाई का काम हो वार्ड में कूड़ा करकट का माकूल प्रबंध और सफाई आदि का काम हो। उन्होंने कहो जहा भी कोई भी काम वार्ड के होर करवाने वाला होगा ये वार्ड वासियों मशवरा करके जितने के बाद फौरी तौर पर करवाएंगे। मेरा नाम ही सुबहान है तो साडे वार्ड के वार्ड नंबर 29 के मुहम्मद अशरफ शाह हाजी अब्दुल्ला ठेकेदार जी के बेटे खड़ रहे हैं तो यह अगे भी कई बार जीते ने ते असी इन्हां नाल कंधा ला के चलते हैं तो ये भी साडे नाल कंधे नाल कंधा ला के चलते हैं तो हुण तक इन्हां ने बहुत विकास करवाया है तो इंशाअल्लाह ऐ कि यह बहुत ज़्यादा वोटां जितणगे। तो हुण आ देख लो इत्थे अज बहुत बड़ा इकट्ठ किया 300-400 बंदे का होगा कि कुछ बंदे साडे दे विच होर पार्टी दे विचों ते साडी पार्टी दे विच शामिल होए ने जिवें कि आपां गल करिए अपने भाई साहब ते होर कुछ मेरे भाई साहब इत्थे वो आए ने ते इंशाल्लाह अपनी एतकी जित पक्की होगी बहुत वधिया ते इन्हां नूं जद भी कोई सानू कोई काम होवे ना तक ते हमेशा साडे नाल आंदे ने किते भी जाना होवे वोटां दे 500-600 वोटां इंशाल्लाह जितावांगे जी इन्हां नूं। किहदे नाल फाइट हो सकदी है? फाइट दा इन्हां दे मुकाबले दा हजे तक तां कोई आया नहीं ना ही कोई आ सकदा इन्हां दे मुकाबले दा जी इंशाल्लाह जित पक्की है साडी। 29 नंबर वार्ड के अशरफ हाजी जी खड़े ने ते असीं वध ते वध इन्हां नूं वोटां दे जितावांगे। इतकी केड़ी पार्टी वल्लों खड़े ने जी? कांग्रेस पार्टी वल्लों। अच्छा किन्ना का थोड़ा हुंगारा मिलेगा इन्हां नूं? साडे वध तों वध इंशाल्लाह इन्हां नूं जितावांगे। अज्ज किन्ने के लोग इन्हां दी सपोर्ट कर रहे? इन्हां दी सपोर्ट अज्ज वध तों वध बंदे कर रहे ने, बहुत बंदे ने इन्हां नाल। नाम मोहम्मद इस्माइल। अच्छा की प्रोग्राम है? प्रोग्राम यह है कि साढ़े 29 नंबर वार्ड के आशरफ साहब खड़ रहे हैं अब्दुल्ला ठेकेदार के लड़के, असी इन्हों समर्थन दें तो अगे नालों वध वोटां दे नाल जितावांगे इन्हों 29 नंबर वार्ड के। हाँ जी अशरफ साहब, तुम एम सी इलेक्शन खड़े हो, कि पार्टी वालों खड़े? मैं एम सी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी तो खड़े हुए हाँ। और वोटर सपोर्टर का किन्ना हुंगारा मिल रहा? वोटर सपोर्टर का मैं बहुत हुंगारा मिल रहा है। मैं जब भी इलेक्शन लड़िया असी अपना मोहल्ला निवासियों ने साडा पूरा साथ दिता है। मैं मोहल्ला निवासियों के नाल दिन रात मेहनत करते हाँ तो लोगों का विकास करते हाँ कम तो मोहल्ला इलाका निवासी जब भी मैनू आवाज़ देंगे मैं उन्होंने 24 घंटे हाजिर हाँ। ये मोहल्ला साडा जिहड़ा मोहल्ला इधरों इलाका निवासी साढ़े ये एक साडा परिवार है, महला नहीं है साडा परिवार है। परिवार की तरह असी सारे लोगों के विचरते हाँ, सारे लोगों के नाल खड़ते हाँ। कि फाइट हो सकती है? देखो फाइट तो मैनू लगता नहीं किसी के नाल है, पर मैं तो यह सोचता मैं कम किए ने कम करांगे अगे इंशाल्लाह। पर देखो ये तो विकास भी असी कोई कमी नहीं आन दी वार्ड के सारे भाइयों के सहयोग के नाल इलाका निवासियों के सहयोग के नाल असी बहुत विकास किया है। ढाबी गेट तो लैके माना फाटक वाली सड़क बन रही है, रायकोर रोड तो लैके ईदगाह तक सड़क बन रही है। ये जब मैं पहली बारी पिछली बार परम दे मैं 8 महीने का कौंसलर रहा, जब 8 महीनों के कौंसलर के टाइम के मैनू 3 मीटिंगा का मौका मिलया, जिस दे विच मैं एक तो लैके आया सी उहदे लई ढाबी गेट तो माना फाटक वाली सड़क, एक लैके आया सी मैं कम्यूनिटी हाल पत्थरां वाले लई डबल मंजिल लई, एक मैं लैके आया सी रायकोर रोड तो ईदगाह तक की सड़क का, क्योंकि इत्थे हालात बहुत खराब सी, सड़क का बहुत बुरा हाल सी। असी चाहते सी भी सड़क बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल वधिया मटीरियल दे नाल बनाई जाए, पर असी इनू 40 फुट चौड़ी सड़क बनवा के बनवा रहे हैं। वार्ड वालों कितने के सहयोग मिल रहे हैं? वार्ड वालों इलाका निवासियों वालों जिते जाने जी पूरा भरवा हुंगारा मिल रहा है, पर इलाका निवासियों के सहयोग के नाल ही आपां इलेक्शन लड़ते हैं जी।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਹੋਊਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜਵੈਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।